मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 6 बजे तक घर आ जाना, देर मत करना। हाँ मम्मी, सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी दादा ने कॉमिक जो लाने वाले। हाँ, 6 बजे तक कॉमिक्स आ जाएंगे और नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और हाँ, आलोक चाचू भी आ रहे हैं तुम्हें होमवर्क करवाने के लिए, इसलिए 6 बजे से देर मत करना और जल्दी घर आ जाना। अब मम्मी मैं जाऊँ वरना मेरी बैटिंग मिस हो जाएगी। हाँ तो जाना, लेकिन 6 बजे से पहले। हाँ हाँ मम्मी, 6 बजे। बच्चे जब खेलने के लिए निकलते हैं तो वो जोश और उत्साह से भरे हुए होते हैं, मानो उनके पैरों में पंख लगे हुए। ना गुजरे कल का गम, ना आने वाले कल की फिक्र, वो सिर्फ आज में जीते हैं। वो अभी क्या खेलेंगे सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। कोई उन पर नजर रख रहा है, कोई खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है, ऐसा ख्याल तो उनके मासूम मन में आता भी नहीं। और एक बच्चे के मन में ये ख्याल आएगा भी कैसे कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यार गोलू, मुझे जाना है। अरे बाप रे, 6:15 हो गए। चल यार मैं चलता हूँ। अरे अभी शाम होने में टाइम है रवि, चल एक और एक मैच खेल लेते ना। हाँ यार, हम लोग रोज तो 7 बजे तक खेलते हैं। हाँ। नहीं यार, आदमी को जाना है। मम्मी को बोल के देते 6 बजे तक आऊंगा, अभी 6:15 हो गए। चल यार मैं चलता हूँ, गोलू को मेरा बैट ले जाना। अपनी माँ से किए वादे के अनुसार रवि 6:15 बजे ही खेलना छोड़कर घर के लिए निकल गया था। खेल का मैदान रवि के घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन 16 जून 2018 की उस शाम रवि घर पहुंचा ही नहीं। दादाजी, आधा घंटा तो हो गया रवि को यहाँ से गए, और हमसे तो रवि ने ये कहा था कि घर जा रहा हूँ। क्यों पंकज? अब कह रहा था मम्मी ने 6 बजे तक आ जाने को कहा है। रवि अभी तक घर नहीं लौटा, कहाँ जा सकता है? हाँ आलोक, वो रवि तुम्हारे घर आया क्या? नहीं भैया, यहाँ तो नहीं आया। मैं तो थोड़ी देर पहले ही घर लौटा हूँ, कपड़े बदल के आप ही के घर आ रहा था रवि को पढ़ाने के लिए। क्यों, क्या बात है? अरे वो रवि रोज की तरह शाम को घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, अब तक घर नहीं लौटा है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, कहीं कॉलोनी में कहीं होगा या आसपास की बिल्डिंग में कहीं गया होगा। मैं आ रहा हूँ, हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है। हाँ सागर भैया, हम निकल रहे हैं अभी, आसपास की सभी बिल्डिंगों में ढूंढेंगे। रवि बाबा जरूर अपनी धुनकी में किसी पड़ोस के घर में चले गए होंगे, हम ढूंढ के लेकर आते हैं आपके पास, आप परेशान मत होइए। हर्ष, हर्ष मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया डरो मत। ऐसे कैसे नहीं डरूं? अगर तुम चले गए और सागर भैया ने आके मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी? रिया, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, घबराओ मत। और सुनो, मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम मत करना। रिया इतना मत सोच, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, ध्यान रखना अपना। सुमन मैं जा रहा हूँ। अरे रे, सुनिए कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुमने सुना तो सही, वहां नीचे 202 में रवि मिल नहीं रहा है, जाके देखना तो चाहिए। सागर और विद्या बेचारे वहाँ पे, उन पे तरस खाने जाएंगे ना तो उल्टा वो हम पे बरसेंगे, रहने दीजिए आप। देखो सुमन, ऐसा कुछ नहीं होगा, बात को समझो, तुम्हारे बच्चा नहीं मिल रहा है, उनका मुसीबत में हो। मुसीबत में हम आ जाएंगे, सीधा शक हम पे जाएगा, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुमन चाचा जी, भाभी आप दोनों टेंशन मत लीजिए, रवि को हम ढूंढ निकालेंगे। सागर भैया चल के मैदान के आसपास की बिल्डिंग्स में देखते हैं, रवि यही कहीं होगा। चलो। अरे हर्ष भैया, कहाँ जा रहे इतनी रात? वो भी इतना बड़ा बैग लिए। अरे प्रशांत, वो अचानक ऑफिस से काम आ गया तो बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। आपने रवि को देखा क्या? रवि नहीं, क्यों क्या हुआ? मिल नहीं रहा है शाम से, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, ढूंढ लेंगे हम लोग। चलिए
दीदी सच्ची, रवि 6:15 के आसपास चला गया था और बोला था कि घर जा रहा है। चल यार मैं चलता हूँ। अरे अभी शाम होने में टाइम है रवि, चल एक और एक मैच खेल लेते ना। हाँ। नहीं यार आदमी को जाना है, मम्मी को बोल के थे 6 बजे तक आऊंगा, अभी 6:15 हो गए। चल यार मैं चलता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैदान हमारी बिल्डिंग से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, डेली हमारे बच्चे वहाँ पर खेलने जाते हैं। देखिए रवि कल शाम से गायब, और ये जो कुछ भी हुआ है ये मैदान और इस बिल्डिंग के बीच के रास्ते में हुआ है। सागर जी हमारी टीम कल रात से आपकी और आसपास की सभी बिल्डिंग्स को खंगाल रही है, लेकिन रवि के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सागर जी पूरे चांसेस हैं कि कोई रवि को अपने साथ लेके गया होगा। क्या कोई ऐसा है जो रवि को नुकसान पहुंचाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? जी नहीं सर, इस बिल्डिंग में हम 15 साल से रह रहे हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर होती तो भी कोई 9 साल के बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाता? सागर जी यही तो पता लगाना है, रवि 9 साल का था, अगर कोई उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता तो उसने शोर मचाया होता और किसी न किसी ने तो उसकी आवाज सुनी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है जो शख्स रवि को अपने साथ लेके गया है रवि उसे जानता था। सर इस कॉलोनी की बिल्डिंग में भी सीसीटीवी नहीं, मैंने आसपास के दुकान वालों से बात की लेकिन ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जिसने रवि को शाम को घर लौटते हुए देखा। आसपास के टोल नाकों और चेक पोस्ट पर रवि की फोटो भिजवाई थी, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारी टीम अलर्ट है, सभी गाड़ियों को चेक कर रही है। सर सर मुझे भी ऐसा लगता है कि रवि को लेके जाने वाला जरूर कोई जान पहचान वाला ही है। तो सोचो आलोक कौन हो सकता है जिसके साथ रवि बिना शोर मचाए आसानी से जा सकता है। सर यही तो समझ में नहीं आ रहा है, और सर मुझे लगता है कि शायद फिरौती के लिए भी कॉल आएगा। तो तुम्हें लगता है कि रवि को फिरौती के लिए अगवा किया गया है? सर हो सकता है सर, श्योर नहीं हूँ। सागर जी जरा याद कीजिए, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन करेगा मैडम, और क्यों करेगा? प्रशांत रिश्तेदारों में तो मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है इसका सागर भैया या चाचा जी के साथ मनमुटाव हुआ हो। क्या दुकान में कभी कोई ऐसी बात हुई थी किसी सप्लायर या किसी कस्टमर से किसी भी बात को लेकर तूतू में हुई हो? नहीं आलोक भैया। सर सागर और आलोक कल रात को 9:30 रवि की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए, और हमारी टीम रात को 10 बजे से इस पूरी सोसाइटी में उसे ढूंढने में लगी हुई है। रवि 6:15 बजे ग्राउंड से खेलने के बाद घर के लिए निकला, और उसे घर पहुंचने से पहले ही अगवा कर लिया गया हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन 10 बजे शुरू हुई, यानी कि किडनैपर के पास 3.5 घंटे का टाइम था, और अभी 12 घंटे बीत गए लेकिन फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। आपका शक सही लग रहा है, ये काम किसी जान पहचान के आदमी का है। कोई ऐसा शख्स जिस पर रवि को पूरी तरह से भरोसा था। ये किडनैपिंग किसी निजी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए की गई है। रवि के माँ बाप से संदिग्धों के नाम निकलवाने पड़ेंगे। रवि के परिवार की कभी ना कभी किसी के साथ कोई रंजिश जरूर रही होगी। 9 साल के बच्चे का इस तरह से गायब हो जाना ये जरूर किसी गहरी नफरत का ही नतीजा हो सकता है। क्या ये नफरत रवि के माँ बाप से थी या फिर खुद 9 साल के मासूम रवि से? क्या वजह थी इस नफरत की जिसकी कीमत रवि को चुकानी पड़ रही थी? सवालों का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ था। सागर 2 दिन हो चुके हैं, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का फोन टैप हो रहा है, फिरौती का कोई कॉल नहीं आया अभी तक। देखो मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, ये किडनैपिंग का केस नहीं है, बात कुछ और है। हम नहीं जानते सर, सच में नहीं जानते हम। चाचा जी मैं चलता हूँ, दुकान भी खोलनी। सर उस मालती विहार कॉलोनी के आसपास के सारे ऑटो रिक्शा छान मारे, सभी दुकानों में भी देखा, पर कहीं कोई लीड नहीं मिल रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा सोसाइटी में गया हो और वहीं अंदर कहीं कुछ हुआ हो? होने का तो कुछ भी हो सकता है उस्मान, इसलिए अंदर बाहर सब जगह ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी में 2 बिल्डिंग्स हैं, 70 से ज्यादा फ्लैट है, इसलिए टाइम रहते हर एक घर को छानना बहुत मुश्किल है। तो एक काम कर, किसी भी तरह से ये पता लगा कि कॉलोनी में किन लोगों की सागर विद्या या रवि के दादा किशन त्यागी के साथ कोई अनबन थी। बात पुरानी हो या नहीं खोद के निकाल। कॉलोनी में सीसीटीवी नहीं है तो क्या हुआ, आंकान तो बहुत है, किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। जी सर। अच्छा सुनिए, मैं विद्या से मिलने जा रही हूँ, काफी दिन हो गए, अगर खबर नहीं पूछी तो भी शक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोच रही हो तुम, विद्या के इस हाल में उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है, और विद्या पे आपको इतना तरस खाने की जरूरत नहीं है। किस बात की दुश्मनी मैडम, सागर जी तो काफी सीधे साधे व्यापारी हैं, किसी कस्टमर से तो क्या, पिछले 5 साल की नौकरी में उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। अगर सबसे प्यार ही था तो रवि गायब कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ सागर के कोई भाई बहन
या उनकी पत्नी विद्या के कोई भाई बहन जिनके साथ जमीन को लेकर कोई लफड़ा या अनबन, ऐसा कुछ सुना है तुमने? रवि बाबा की तरह सागर जी भी अपने पिता की इकलौती औलाद है। विद्या भाभी का पता नहीं मेरे को, पर ऐसा सुना नहीं मैंने कुछ। अच्छा, ये दुकान के अलावा भी कोई बिजनेस है सागर का? बिजनेस नहीं मैडम, किराए पे घर दे रखे हैं। एक अपना घर है, उसके अलावा एक फ्लैट है और दो घर और हैं। तीनों यहीं पर ही हैं मालती विहार में, उनमें से दो किराए पे चढ़ा रखे उन्होंने। कौन कौन है किराएदार? एक तो यहीं रहते हैं चौथे माले पर, अभी अभी शादी हुई है उनकी, रिया यादव और हर्ष यादव। और दूसरे किराएदार? ममता पांडे, वो विधवा है, 2 साल से अपने बेटे पंकज के साथ रहती है। ये पंकज पांडे वही है ना जो उस दिन शाम को रवि के साथ खेल रहा था? हाँ मैडम। और वो तीसरा घर, वो खाली है, वो किराए पे नहीं चढ़ा है? वो किराए पे नहीं है, वहाँ तो आलोक भैया रहते हैं। आलोक भैया सागर जी के दूर के रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं, वो उनसे किराया नहीं लेते। वो रवि को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और वो काफी परेशान भी है रवि को लेकर। सर एक्चुअली आपको एक घर की तलाशी जरूर लेनी चाहिए, पता नहीं मेरे ध्यान से कैसे निकल गया। किसका घर? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप, आप बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं। सुमन शांत हो जाओ, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ देख रही हूँ इनका काम, पूरी सोसाइटी के सामने हमें जलील कर रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला ना रवि, ना उसके कपड़े मिले, मतलब गलत थी ना आपकी खबर। अब बताइए किसने दिया था हमारा नाम? सुमन जी, नंदन जी, आप लोग को तकलीफ हुई उसके लिए हम सोचते हैं। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ आपको मुझ पे शक क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है ना, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए आपको लगा कि। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, जिस औरत के बच्चे नहीं होते वो दूसरों के बच्चे चुरा लेती है, ऐसा ही लगता है ना। सुमन जी हमारे पास ठोस वजह थी, आपका और विद्या का झगड़ा हुआ था और आपने विद्या को धमकी भी दी। विद्या तुझे कितनी बार बोला है कि सुबह के टाइम पे मोटर मत इस्तेमाल किया कर, सारा काम मेरे घर पे धरा का धरा रह जाता है, पानी नहीं भर पाया घर में। दीदी मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने मोटर चालू नहीं की है, आज पानी जल्दी चला गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देख विद्या झूठ मत बोल वरना देख लेना मैं क्या करूंगी। अरे सुमन छोड़ ना, क्यों जब देखो सबसे झगड़ा करती रहती है। अरे वाह विद्या, तूने तो सुधा को भी अपनी साइड में कर लिया, बड़ी चालाक निकली तू तो। दीदी मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, आपके पास तो कोई काम है नहीं तो आप फुर्सत में लड़ाई कर सकती है, पर मेरे पास बहुत काम है, मुझे रवि को स्कूल के लिए तैयार करना, उसका नाश्ता बनाना है, तो आप प्लीज जाइए यहाँ। एक सेकंड, मतलब कहना क्या चाहती है तू? हाँ मेरी औलाद नहीं इसलिए मैं झगड़ा कर रही हूँ? नहीं सुमन, विद्या ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो चल। हाँ हो भी सकता है, शायद इसीलिए इतना गुस्सा भरा है आपके अंदर। बेटे की माँ होने का इतना घमंड मत कर विद्या, वरना किसी दिन ना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ मैंने ऐसा कहा था क्योंकि मैं गुस्से में थी, विद्या ने मुझे ताना मारा था और वो भी सुधा के सामने। मैडम वो बात उसी दिन खत्म हो गई थी, मामूली सा झगड़ा था वो। सर कोई मामूली झगड़ा नहीं था वो, जहाँ तक मुझे याद है विद्या भाभी उस झगड़े के बाद काफी दिनों तक परेशान रही थी। मम्मी मैं जा रहा हूँ। रवि, अरे मम्मी क्या कर रहे हो, स्कूल के लिए लेट हो रहा, जाने दो, आरू चाचू आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, लेट हो जाएगा, अभी चुप करके बैठ पे ले। ये क्या कर रही हो मम्मी? कोई नहीं, मैजिक एक सीखी जिससे मैं गायब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं बोलते रवि, जल्दी कर, लेट हो रहे। चाचू बचा लो। रवि अभी क्या हुआ, नजर क्यों उतार रहे हमारे हीरो की? नहीं बस ऐसे ही, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे इसे। हमारे हीरो को किसकी नजर लगेगी ना? मैं हूं इसके साथ, अब खाम का टेंशन ले रही है। बाय मम्मी। बाय। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। रवि धीरे, और 1 घंटे में वापस आ जाना। नहीं मम्मी 2 घंटे प्लीज। कोई मोल भाव नहीं, 1 घंटा मतलब 1 घंटा समझे, जल्दी वापस आना। क्या बात है भाभी, 1-2 दिन से देख रहा हूँ आप रवि को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो क्या है ना, कुछ लोगों की बातें बहुत डरा देती हैं लोग। उस दिन सुमन दीदी ने कुछ ऐसी बात बोली जो दिमाग में घर कर गई, ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई श्राप दिया हो मुझे। अब कहिए क्या झूठ है? गुस्से में मैंने क्या कहा ये सबको याद है, लेकिन ये किसी को याद नहीं है कि उस दिन के बाद कितनी बार मैंने रवि को अपने घर पे बुला के सामने से मिठाई खिलाई, चॉकलेट खिलाई। 1 मिनट, आप रवि को खुद बुलाकर चॉकलेट और मिठाई देती थी, तो क्या 16 जून को भी आपने यही किया था, रवि को बुलाकर चॉकलेट दी थी जब वो घर लौट रहा था? देखिए सुमन जी, छुपाने का कोई फायदा नहीं, तो बेहतर यही होगा जो कुछ भी किया है या जानते हैं बता दीजिए। मैडम हमने कुछ नहीं किया है। हाँ जब से रवि गायब है हमें यह डर जरूर था कि किसी दिन उस झगड़े की बात फिर उछलेगी और सब हम पर ही शक करेंगे, और वही हुआ, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। चलो मैडम। देखिए विद्या ने आपको हमारे बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसने आपको अपने राज के बारे में तो नहीं बताया होगा। कैसा राज? ममता पांडे। ममता के बारे में उसने आपको नहीं बताया होगा ना? मुझे पूरा यकीन था उसने नहीं बताया होगा।
कौन ममता? वो सागर की किराएदार? उसी से पूछ लीजिए ना, क्यों विद्या का पति सागर एक अकेली औरत के घर के बार बार चक्कर काटता है। मेरे बारे में तो उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बारे में उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं निकाला। क्यों सर, हो सकता है सुमन ने हमें ममता वाली बात हमें गुमराह करने के लिए बताई हो। मुमकिन है, लेकिन एक 9 साल का बच्चा इतने दिनों से गायब है तो किसी भी बात को लाइटली नहीं ले सकता है। किरण, तुम ममता के घर की तलाशी लो, मैं इधर सागर से बात करता हूँ। मम्मी, सुमन आंटी के घर में पुलिस क्यों आई थी? क्या सुमन आंटी ने रवि को अपने घर में छुपाया है? तू कुछ भी बोल देता है, चल अपना होमवर्क कर। सुमन आंटी ने छुपाया? गोलू, उस दिन जब तू रवि के साथ खेल रहा था तो क्या सुमन आंटी वहां से गुजरी थी? पता नहीं मम्मी, मेरा ध्यान नहीं गया। मैं, रवि और पंकज खेलने में लगे थे। शायद पंकज ने कुछ देखा। सागर, तुम्हारे और ममता के बीच क्या है? आपको पता भी, आप क्या बात कर रहे हैं? अब सागर भैया भी शक कर रहे हैं? शक नहीं, सवाल कर रहा हूं। सागर, क्या रवि तुम्हारी किरायेदार ममता पांडे के बुलाने पे उसके घर जा सकता है? क्या ममता कुछ ऐसा कर सकती है? सर, आप ममता पांडे को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? ममता क्यों रवि को गायब करेगी? हाँ, ये सच है कि मैं ममता से मिलने अक्सर उसके घर जाता हूँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? सर, 3 साल पहले ममता पांडे के पति की डेथ हो गई थी, तब से वो बेचारी अकेले अपने बेटे पंकज की परवरिश कर रही है। मैं कभी कभी पैसों से थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देता हूँ, उसके बेटे के साथ खेल लेता हूँ इंसानियत के नाते बस। तुम्हारी पत्नी विद्या को तुम्हारी इस इंसानियत के बारे में पता है? जी हाँ, विद्या जानती है कि ममता हमारी किराएदार है। सागर, मेरा सवाल ध्यान से सुनो। तुम जो ममता पांडे से बार बार मिलते हो, उसे पैसे देते हो, इस बारे में तुम्हारी पत्नी विद्या को पता है? हाँ, सागर अक्सर मुझे पैसों से मदद किया करते थे, और ये बात उसने अपनी पत्नी विद्या से छुपाई भी थी। क्यों छुपाई? मैंने भी यही पूछा था सागर से, और उसे मना भी किया था कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे। लेकिन उसका कहना था कि अगर ये बात वो विद्या को बताएगा भी तो वो नहीं समझेगी। पर फिर एक दिन विद्या को सब कुछ पता चल गया। आखिरी बार पूछ रही सागर, जब घर से गए थे तब तुम्हारे पर्स में 5,000 रुपए थे, और अब सिर्फ 1,000 रुपए बचे, 4,000 कहाँ गए? मैं बताया तो था कि एक दुकान के सामान की पेमेंट करनी थी, इसलिए। झूठ मत बोलो सागर, तुम ये पैसे ममता को दे रहे हो ना? मैं सब समझती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं, विश्वास करो मेरा। मैं सिर्फ उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है उस। तुम पे भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी है सागर, और बेहतर यही होगा कि ममता के बच्चे की फिक्र करने की बजाय तुम अपने बच्चे की फिक्र करो। और इसके बावजूद तुम ममता से मिलते रहे, लेकिन तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, राइट? जी नहीं, हम दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन आपको नहीं है। तभी तो हमारे बेटे रवि को ढूंढने की बजाय ऐसी मनगढ़ंत बातों को पकड़ के बैठ गए। अब ये बातें विद्या से मत पूछेगा, वैसे उसकी हालत बुरी है। उससे भी बुरी हालत में तुम्हारा बेटा रवि हो सकता है सागर, लेकिन तुम फिर भी हमसे सच्चाई छुपा रहे हो। मैं आपसे कोई सच्चाई नहीं छुपा रहा हूं। ठीक है, ये बताओ कि ममता का बेटा पंकज और रवि दोस्त है ना, तो रवि कभी कभी जाता था ममता के घर? हाँ, पंकज के साथ एक दो बार रवि घर आया था खेलने के लिए। क्या 16 जून को भी रवि आया था? मैं आपसे कह रहा हूँ, ममता रवि के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, वो खुद एक माँ है, रवि की उम्र का तो खुद का बच्चा है उसका। और रवि ही एक अड़चन था तुम दोनों के रिश्ते में। ममता शायद जानती थी कि तुम विद्या को तो छोड़ सकते हो, लेकिन रवि को नहीं, इसलिए शायद ममता ने। सर, आप रवि को ढूंढिए, और अगर ममता को गिरफ्तार करने से रवि मिल जाता है तो ऐसा ही कीजिए। इस वक्त मुझे मेरा बेटा रवि चाहिए, बस। हैंड्स अप। मम्मी ने आपको कहा था ना कि ये लड्डू नानी के घर ले जाने के लिए बनाया है? तो फिर क्यों खाए? अभी उन्हें बता दो। मम्मी चुप कर, मम्मी के मैसेंजर। मम्मी को कुछ नहीं बताया करूँ, ओके? ठीक है,
पर उसकी फीस लगेगी। क्या चाहिए तुझे? एक पेस्ट्री, दो चॉकलेट, और फिर आपका राज राज रहेगा। अच्छा बेटे, तेरे को पता ना रिश्वत मांगना बुरी बात होती है। और बाबा आप भी जानते हो ना कि आप मम्मी से जो ये सब छुपा रहे हो वो सब भी बुरी बात है। आलोक भाई अब तो ही कुछ कर रहा, ये लोग तो रवि को ढूंढने के बजाय पता नहीं क्या क्या वाहियात बातें कर रहे हैं। सागर भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। सुमन और नंदन पर भी मेरी नजर है, आप बस भाभी और चाचा जी का ध्यान रखिए। रवि को मैं हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। सर ये ममता काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत लगी, कॉलोनी के ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, बिना झिझक के साफ साफ बात कर रही थी, लग नहीं रहा था कि कुछ छुपा रही है। तुमने ममता के बेटे पंकज से रवि के बारे में बात की? रवि उस दिन उसी के साथ खेल रहा था। यस सर, जब मैंने पंकज से रवि के बारे में पूछा तो लग नहीं रहा था कि कुछ रटा रटा है बोल रहा है। वैसे भी मैंने ममता के कॉल रिकॉर्ड मंगवाए सर, 16 जून की शाम को ममता कहाँ क्या कर रही थी ये भी हम पता लगवा रहे हैं। इस केस की नब्ज हाथ नहीं लग रही है, रवि के गायब होने की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। आखिर ये मामला क्या है? कुछ तो है किरण जो हमसे मिस हो रहा है। इस केस में कई ऐसे किरदार थे जो अभी तक पुलिस की नजरों में नहीं आए थे, और जो सामने आए भी थे उनकी पूरी तरह तफ्तीश होनी अभी बाकी थी, और जिनकी तफ्तीश हुई थी उन्होंने इस केस को और उलझाने का काम किया था। क्या घूर रहे हैं आप लोग? हाँ आप लोगों को क्या लगता है मैंने रवि को गायब किया है? हाँ किया है, और आप लोगों के बच्चे भी गायब कर दूं, बच के रहना। रवि के गायब होने से पूरे इलाके में डर का माहौल था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी रवि के परिवार वालों के लिए थी। रवि की गैर मौजूदगी ने उनकी जिंदगी वीरान कर दी थी। आलोक भी ढूंढ रहा है हमारे रवि को, बहुत जल्दी मिल जाएगा हमारा रवि। वो ममता वाली बात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं मुझे कुछ सुनना है, मुझे सिर्फ मेरा बेटा रवि चाहिए। तुम्हें ममता के पास जाना और नहीं जाना जो करना करो, बस मुझे मेरा बेटा रवि ला दो। हारिया मैं बोल रहा हूँ, सब ठीक है वहाँ? हाँ फिलहाल सब ठीक है। किसी ने मेरे बारे में पूछा? नहीं अब तक तो नहीं। अच्छा है, सबका ध्यान रवि को ढूंढने में, हम पे नहीं। लेकिन पुलिस हर घर में पूछताछ कर रही है। करने दो, हमारे घर आएगी तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, बस तुम सोच समझ के जवाब देना। हर्ष मुझे अब कितने दिन यहाँ रहना होगा? बस कुछ दिनों की बात है रिया, मैंने सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। हाँ ममता, रवि का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस ढूंढ रही है उसे, आलोक भी कोशिश कर रहा है। पुलिस मुझसे हमारे बारे में पूछ रही थी। मुझसे भी? सागर मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो और बात करने का मन हो तो मुझसे मिलने घर आ जाना। ममता अब मैं नहीं हूं। मैम अगर सुमन और नंदन के एक महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं निकला है तो आप उनके 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए। और क्या आपने उनकी लोकेशन डिटेल्स चेक की? करेंगे, सब करेंगे, और कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाएंगे, नंदन सुमन ममता और तुम्हारे भी। मैं समझता हूँ मैम कि आपको मेरे केस में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं, और आप ही बताइए मैं कैसे ना करूँ इंटरफेयर। रवि जब से पैदा हुआ है मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया मैम, बाकी मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं।
सर पूरे एरिया में पता किया, ये कॉलोनी बैगिंग माफिया या किडनैपिंग गैंग के रडार में थी ही नहीं। सर हमने ममता और सुमन पर भी नजर रखी हुई है। ममता भी उस शाम पड़ोस में ट्यूशन पढ़ा रही थी, कहीं से कोई लीड ही नहीं मिल रही है। रवि आखिर है कहाँ? ना कॉलोनी के अंदर कहीं मिल रहा है, ना बाहर किसी मूवमेंट का पता चल रहा है, ना ही अभी तक फिरौती का कॉल आया है। किरण मुझे बच्चे को लेकर बहुत डर लग रहा है, बहुत टाइम हो गया है, या तो ऑलरेडी रवि के साथ कुछ हो गया है या फिर कोई अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहा है। मेरे रवि को वापस कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको जितना भी गुस्सा है ना आप मुझसे निकाल दीजिए, जो भी सजा देनी है ना मुझे दे दीजिए, मैं मेरे बेटे रवि को वापस कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं ना तो मैं आपके पैर पड़ने को भी नहीं आ रही। विद्या क्या कर रही हो? उठो उठो, संभालो अपने आप को विद्या, उठो प्लीज उठो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता रवि कहाँ है। मेरे बेटे को लौटा दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को लौटा दीजिए। चलो रवि को विद्या बेटा चलो यहाँ से चलो। सर रवि जिस मैदान में खेल रहा था उस मैदान के आसपास तीन बिल्डिंग में मैंने तलाशी ली। ये प्रोसीजर काफी लंबा है सर, और कॉलोनी के काफी लोग नाराज भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर वो सागर का कजन ब्रदर, वो दोबारा आया था। सर सागर से ज्यादा तो आलोक उतावला रहता है, अपने आइडियाज देता रहता है अलग से। मुझे आलोक पे भी शक होता है। आलोक की बैकग्राउंड डिटेल सामने आई? सर इन्फॉर्मर्स लगे हुए हैं, फिलहाल इतना पता चल पाया है कि सागर का चचेरा भाई है आलोक, रवि को ट्यूशन पढ़ाता था। और सर डायरेक्टली पूछना बनता नहीं है क्योंकि अगर उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वो अलर्ट हो जाएगा, काफी स्मार्ट बनता है सर। सागर और विद्या से जुड़े हर इंसान पर फिर से स्पॉट डालो शुरू से। ना तो किडनैपिंग सामने आ रही है, ना ही किसी दुश्मनी के बारे में पता चल रहा है। आखिर रवि के गायब होने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? भाभी आपसे कुछ जरूरी बात करनी। सर एक हफ्ते के ऊपर हो गया है, आप लोग मेरे बेटे रवि को ढूंढने के बजाय यहां पर बैठकर हमारे कॉल रिकॉर्ड छान रहे हैं। सागर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन तुमसे भी चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अब फाइनली आपको बता ही देता हूं। और बताना क्या है, आपको ले चल के दिखा देता हूं ना वो जगह जहां पर मेरे बेटे रवि को अगवा करके रखा गया था। जहां रवि को अगवा करके रखा गया था? चौंक गए ना आप लोग, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि आप लोग दरअसल मेरे बेटे रवि को ढूंढने में खास मेहनत करना ही नहीं चाहते। अरे आप लोगों से ज्यादा तो मेरा चचेरा भाई आलोक उसके बारे में खबर जुटा रहा है। आलोक? हाँ आलोक, वो ही ले गया था मुझे उस जगह पर जहां पर मेरे बेटे रवि को अगवा करके रखा गया था। आलोक यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुमने तो कहा था रवि यहीं पे। रवि यहीं था सागर भैया, उन लोगों ने अपना ठिकाना बदल लिया। हमारा रवि अकेला ऐसी जगह पर? आलोक कहाँ होगा रवि, कब मिलेगा हमें? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ढूंढ निकालूंगा उसे, मिल जाएगा वो, मेरे आदमी इसी काम में लगे हुए। आलोक के लोग? कौन से लोग? उसे कैसे पता उस जगह के बारे में? उसके इन्फॉर्मर्स के जरिए। आलोक के इन्फॉर्मर्स? जी आलोक आईबी में ऑफिसर है। आलोक इंटेलिजेंस ब्यूरो में? पुलिस के लिए यह एक चौंका देने वाला खुलासा था, यही नहीं एक हद तक पुलिस के लिए शर्मिंदगी की बात भी थी, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में उनसे आगे था। देखिए मैंने कहा ना हम आपका सारा किराया चुका देंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना आप? प्लीज बस थोड़े दिन रुक जाइए। दिन नहीं महीनों से रुके हुए, और कितना रुकेंगे? देखिए रिया भाभी आप लोगों की ना किस्मत बहुत अच्छी है, जब से रवि बाबा गुम हुए हैं ना सागर जी का काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, नहीं तो अभी तक तो आप और हर्ष भाई। वैसे हर्ष भाई कब आ रहे हैं? वो जल्दी आ जाएंगे। देखिए आप सब्र रखिए प्लीज। अच्छा प्रशांत भैया अब मैं रखती हूँ, घर का बहुत सारा काम बाकी है।
सॉरी सर, मैंने आपसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, पर आप समझ सकते हैं हमारी लाइन के काम में कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती। लेकिन आलोक, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला जहां रवि को अगवा करके रखा गया था? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मतलब? सर ये सच है कि मेरे आईबी डिपार्टमेंट के खबरी इस केस में लगे हुए हैं, पर ये किडनैपिंग की जगह मैंने सागर भैया को तसल्ली देने के लिए क्रिएट की थी। मैं कुछ समझा नहीं। सर सागर भैया हिम्मत हार चुके थे, उन्हें लग रहा था कि रवि जिंदा ही नहीं, वो टूट जाते तो भाभी और चाचा जी का क्या होता, उनकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मैंने ऐसा किया सर। लेकिन आलोक इससे हाँ बोलो, पक्की बात है? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर मेरे डिपार्टमेंट के खबरी ने अभी अभी एक बहुत तगड़ी लीड दी है। पहले मुझे लग रहा था कि ये काम किसी करीब के आदमी का, पर ऐसा है नहीं, बात कुछ और ही है। साफ साफ बोलो आलोक, लीड क्या है? नरबली, रवि लड़का है तो फ्लैश स्टेट का चांस ही नहीं, और बैगिंग माफिया को मैं अच्छे से स्कैन कर चुका हूँ, और आप लोग भी। सिर्फ यही एक एंगल है जो हमने टच नहीं किया। सर मेरे खबरी का कहना है कि मालती विहार कॉलोनी के कुछ परिवार हैं जो बलि में विश्वास करते हैं। कौन? नाम नहीं पता सर, ये खबर मेरे खबरी के पास बहुत घूम घूम कर आई, लेकिन अपने तजुर्बे से इतना जरूर कह सकता हूँ कि इतने सालों में इस खबरी की कोई भी खबर गलत साबित नहीं हुई है। नरबली, तुम्हारे परिवार में से ही किसी का दोष है, उसी दोष का प्रकोप तुम्हारे रवि पर हावी हो रहा है। तुम्हारे घर के आसपास ही है रवि। आसपास मतलब कहाँ बाबा? प्रतीक्षा करनी होगी, दोष का प्रकोप रवि पर बहुत भारी है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे रवि जल्दी आ जाए? कोई विधि वगैरह हो? नरबली, ये टिप किसने दी मैडम? तूने नहीं, तेरा काम था। तुझसे ज्यादा वो आईबी वाले की खबरी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। सॉरी मैडम, पर कसम से मैंने अपने काम में कोई ढील नहीं की है। वैसे ये नरबली वाली खबर सच तो है ना? उस्मान, तू अपना काम कर, समझा? दूसरे काम में नुस्ख मत निकाल। देख तू अपने लेवल पे पता कर कि कॉलोनी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो नरबली में विश्वास रखते हैं। जी सर, ये यूपी में सभी नरबली चढ़ाने वाले तांत्रिकों की फाइल है, इनमें से ज्यादातर जेल में है। बात की इनसे? यस सर, मैंने इनके चेले चपाटों के बारे में भी जानकारी हासिल की, इनमें से कोई भी गाजियाबाद की तरफ नहीं आया। सर मैंने उस्मान खबरी को भी लगा दिया है चुपचाप ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई ऐसा कॉलोनी में है जो इन सब में विश्वास रखता है। सर मुझे नरबली वाला एंगल कुछ सही नहीं लग रहा। शायद ना हो, लेकिन अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बात 9 साल के बच्चे की है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं कॉलोनी में एक बार फिर से सर्च करती हूँ, शायद इस नरबली वाले एंगल में हमें कोई लीड मिल जाए। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? और ये क्या जादू टोना लगा रखा है आप लोगों ने? आप कुछ भी बोल रहे हैं? मैडम मेरा भी एक बच्चा है, आप सोचिए तो सही, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तलाशी लेनी है। एक सेकंड, मेरे पति इस वक्त घर पे नहीं है तो आप ऐसे जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकते। रिया, तुम टेंशन मत लो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये इनका रूटीन प्रोसीजर है, इन्हें इनका काम करने दो। जय हिंद। हटिए। मैम, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को लगता है कि मैं खुद अपने बेटे को? लोग कुछ भी करने जा रहे, कुछ भी बोलने जा रहे, पर वो मेरा बेटा है।
माँ उसकी मैं कैसे। हाँ उस्मान बोल। आप खुद बाबा के पास गई थी या कोई लेके गया था? हाँ सर सच है, मैं ले गया था विद्या भाभी को बाबा जी के पास, क्योंकि परेशान थी हूँ बहुत ज्यादा। काला जादू और बलि चढ़ाकर तेरे बाबा परेशानी दूर करते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बाबा जी में विश्वास रखता हूँ, लेकिन ये काला जादू और बलि वाली से मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं तो इसलिए ले गया था विद्या भाभी को ताकि उनको मन की शांति मिले। लेकिन अगर तू अपनी शांति चाहता है तो सच बोल, वरना ये डंडा बोलेगा। हर्ष पुलिस ने प्रशांत भैया को पकड़ लिया है। वो सब छोड़ो, तुम आज के आज निकलो वहां से और जो भी पहली ट्रेन मिले पकड़ के कानपुर आ जाओ। ठीक है। सर ये किस गुनाह की सजा दे रहे हैं सर आपने? मैं सच में सागर भैया और भाभी का भला चाहता हूँ, मैं ताकि उनको तसल्ली मिले। लेकिन तेरे जवाब से हमें तसल्ली नहीं मिली। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं सच में उस दिन रवि को ढूंढ रहा था, पैंतरा नहीं है ये कोई। सर मुझे कुछ याद आ रहा है सर। अरे हर्ष भैया कहाँ जा रहे इतनी रात को, वो भी इतना बड़ा बैग लिए? अचानक ऑफिस से एक काम आ गया तो बाहर जा रहा हूँ। ये हर्ष को रिया का हस्बैंड सागर का किरायेदार, उसी की बात कर रहा है? हाँ सर वही तो चौथे माले पे रहते। अच्छा अभी तक तो कुछ याद नहीं था, चार डंडे पड़े तो सब याद आ गया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे को याद आ रहा है कि हर्ष भाई के पास एक बड़ा सा बैग था, वो उसे लेके जा रहे थे रात को, घबराए हुए भी थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं भाग रहे हो, और हर्ष भाई अभी तक वापिस भी नहीं आए कॉलोनी में। से देखो सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? गलती हो गई, मैं सागर भैया को धोखा नहीं देना। रवि कहाँ है? रवि मुझे नहीं पता सर। सच बोलेगा या हड्डियों को और आजमाना चाहता है? कसम से कह रहा हूँ मैंने रवि को अगवा नहीं किया है, वो तो मैं किराया नहीं दे पा रहा था इसलिए चुपचाप घर खाली करके भागने का प्लान बनाया। तो ऐसे नहीं बोलेगा तू, तोड़ो इसे। सर मैं सही कह रहा हूँ सर। सर सर देखिए मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, आपने हमें रहने को घर दिया, हमें भरोसा किया और हम आपको धोखा देकर जा रहे थे। सागर भैया विद्या भाभी मैं कह रही हूँ हर्ष ने रवि को कुछ नहीं किया है, भाभी प्लीज प्लीज आप पुलिस को बोल दीजिए कि वो हर्ष को छोड़ दे प्लीज। सर कुछ मिला आपको हर्ष के इंटरोगेशन से? नहीं आलोक, हर्ष के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी स्कैन किए और कानपुर जिस जगह वो नई नौकरी के लिए गया था वहाँ उसके कलीग से भी बात की। और 16 जून को गाजियाबाद से हर्ष ने जो ट्रेन पकड़ी थी कानपुर के लिए, वहाँ के भी कुछ आई विटनेस ने कहा है कि उन्होंने हर्ष के साथ कोई बच्चा नहीं देखा। सर आई थिंक हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो तो हम हरगिज नहीं मानेंगे आलोक, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठे। अगले कई दिनों तक पुलिस पूरी ताकत से रवि को ढूंढने में लगी थी, आलोक की कोशिशें भी जारी थी, लेकिन रवि की गुमशुदगी का राज अब भी राज ही बना हुआ था। रवि को गायब हुए एक महीना बीत चुका था, गुनहगार को शायद लग रहा था कि उसका जुर्म अब हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा, लेकिन ये सच की फितरत है, देर सवेर ही सही एक दिन सामने आ ही जाता है और ऐसा ही इस केस में भी होने वाला था। ठीक है मैं आता हूं। प्रशांत मैं थाने जाके आ रहा हूं। सर आओ आलू। सर आपने इतना अर्जेंटली बुलवाया, कुछ पता चला क्या रवि के बारे में? हाँ कुछ क्लूज मिले हैं तुम्हारे उस नरबली के एंगल से जुड़े हुए, इसीलिए हमें तुम्हारे उस आईबी के इन्फॉर्मर से बात करनी है। सर एक्चुअली खबरी आईबी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है तो उनके बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा।
मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारे आईबी डिपार्टमेंट के हेड से बात हो गई, इनफैक्ट वो यहीं आए हुए हैं। आइए सर। ये हैं तुम्हारे आईबी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर कैलाश चौहान। कैसे हो आलोक? फाइन सर। इन्होंने परमिशन दे दी है। हाँ आलोक, बता दो अपना सोर्स, कौन है तुम्हारा खबरी? I'm sorry सर, मैं आपकी बात रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो खबरी जो है सर वो सर, ये आईबी डिपार्टमेंट के हेड नहीं, हमारा कांस्टेबल है विलास रावत। तेरा खेल खत्म हो गया आलोक, तू कोई आईबी ऑफिसर नहीं है। यही सोच रहा है ना कि तेरी असलियत हमें कैसे पता चली? तेरे ही बड़बोलेपन ने तुझे फंसा दिया। बोल इस्मान, क्या खबर सुनानी है? मैडम, कब से मुझे बात खटक रही थी कि जो खबर हम लोग नहीं खोद पाए, इस आईबी का खबरी ने कैसे खोद निकाली। तो सोचा क्यों ना मिलकर देखा जाए, ऐसी क्या खास बात है इस आईबी के खबरी में। तो मैंने अपने पंटर सुलेमान को बोला, वो भी आईबी के कुछ अफसरों के लिए काम करता है, तो उसने मिलवाया मुझे। कहाँ मिलवा? ये देखिए मेरे बाजू में आपके उस आईबी के आलोक का खबरी। क्या बकरा उस्मान? सच बकरा हूँ मैडम, ना कोई खबरी है और ना ही आलोक नाम का कोई अफसर है आईबी में। रवि मेरा एक राज जान गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रवि चल घर चल, एक मस्त चीज दिखाता हूँ तुझे, चल। नहीं चाचू, मुझे घर जाना है, वो दादूनी कॉमिक लेकर आए होंगे। अरे चल ना, दो मिनट की बात है, फिर मैं चलता हूँ ना तेरे साथ घर। चले रवि। बेटा आपने जो उस दिन देखा था उस बारे में आपने किसी को बताया तो नहीं ना? शाबाश। आप एक वादा करेंगे कि वो राज हमेशा आपके और मेरे बीच रहेगा? प्रॉमिस? कौन सा राज? क्या जान गया था? चाचू, रवि तुम अंदर कैसे आ गए? रवि, 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 रिया तुम पागल हो? ऐसे क्यों चला रही थी? रिया मैं घबरा गई थी, इसने किसी को बता दिया तो? मैं देखता हूँ, डोंट वरी। आलोक जल्दी जाओ प्लीज। रवि, मिला रवि मिला, तुमने समझा दिया उसे? नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं मिला मतलब? अरे तुम्हें समझ आ रहा है लोग यहाँ क्या हुआ? रवि ने देख लिया हमें, तुमने दरवाजा कैसे खुला छोड़ दिया? अंदर कैसे आ गया वो? वो सबको बता देगा, देख रहे भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं समझा दूंगा उसे, टेंशन मत। आलोक निकलो तुम, अब हम मिल नहीं सकते, तुम निकलो यहाँ से, हमें खत्म करना होगा। ये क्या बोले जा रही तुम? आलोक निकलो यहाँ से, बस हो गया। सर मुझे लगा रिया घबरा गई है इसलिए ऐसा बोल रही है। उस वक्त मैं वहां से चला गया और जब रवि मुझे मिला, मैंने उसे सब समझा दिया। वो बोला कि मेरा राज राज रखेगा। उसके बाद जब भी मैं उसे पढ़ाने जाता या उसको कहीं भी देखता था, उसकी चुप्पी मुझे डराती थी। रिया तो मुझसे भी ज्यादा डरी हुई थी, मुझे मिलने तक को मना कर दिया था उसने। आलोक देखो, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं मिलूंगी, मतलब मैं नहीं मिलूंगी। देखो जो हो गया सो हो गया, पर मैं और रिस्क नहीं ले सकती। देखो आलोक, मेरा पति हर्ष ना बहुत बोला है, मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं टोकता, लेकिन अगर ये चीज उसे पता चल गई ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या तो वो मुझे मार देगा या छोड़ देगा। नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेकार में डर रही हो। अगर रवि ने तुम्हारे भैया को ये बात बता दी तो क्या होगा? नहीं बताएगा वो, मैंने समझा दिया उसे। आलोक रवि अभी बच्चा है, और तुम श्योर हो कि वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएगा? कभी नहीं। रिया की बात बिल्कुल सही थी, रिस्क तो था, रवि कभी भी मुंह खोल सकता था, तो मैंने सोचा इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप मुझसे एक वादा करेंगे कि वो राज हमेशा आपके और मेरे बीच रहे? प्रॉमिस?
मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ। पिछले 2 महीनों से रवि की लाश आलोक के ही घर में एक बैग के अंदर सड़ रही थी। रिया भी शामिल थी इसमें? नहीं, उसे कुछ नहीं पता। एक बार उसने मुझसे पूछा भी था कि क्या तुमने रवि के साथ कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। आलोक और रिया के अवैध रिश्ते की असलियत से बेखबर हर्ष यही समझता रहा उसका बिना किराए दिए भाग जाने का प्लान ही रिया की परेशानी का कारण। सागर और विद्या सच्चाई जानने के बाद बिल्कुल टूट चुके थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आलोक, जो रवि को अपने बेटे जैसा मानता था, उसी ने रवि की निर्मम हत्या की थी। रवि। इतने लंबे समय तक रवि की लाश आलोक के घर में ही थी, लेकिन आस पड़ोस वालों को पता भी नहीं चला। आलोक से पूछने पर उसने बताया कि वो लाश पर लगातार इत्र छिड़कता रहा ताकि आसपास के लोगों को लाश की बदबू ना आए। अगर रिया और आलोक के रिश्ते का सच सबके सामने आ जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? उनकी निजी जिंदगी और रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता। जाहिर है कि उनके सगे संबंधियों को यह सच जानकर ठेस पहुंचती, लेकिन वक्त के साथ ये दौर भी गुजर जाता। लेकिन सिर्फ इस सच को छुपाने के लिए एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। रवि की जान के सामने इन दोनों का सच और डर बहुत ही महत्वहीन था, पर दुर्भाग्यवश बेकसूर होते हुए भी इस राज की कीमत रवि को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ कल रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।